बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन ऐसे वक्त घूमने के लिए निकले जब सड़कें सुनसान थीं और हर तरफ सन्नाटा था। एक जगह क्या देखते हैं कि दो आदमी लड़ रहे हैं, उनमें से एक इसराइली था और दूसरा कुप्ती यानी फिरौन की कौम का आदमी। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर कुप्ती को एक घोंसा मारा। घोंसा लगते ही कुप्ती ज़मीन पर गिर पड़ा और देखते ही देखते तड़प कर दम तोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो घोंसा लड़ाई ख़त्म करने के लिए मारा था, उनके वहमो गुमान में भी ना आ सकता था कि एक ही घोंसे से कुप्ती का काम तमाम हो जाएगा। कुप्ती के कत्ल की खबर सारे शहर में फैल गई, लेकिन सुराग ना मिला। लोगों के दिल में ये शुबा ज़रूर था कि हो ना हो ये काम किसी इसराइली का है। उसका पता लगाकर उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहते थे। दूसरे रोज़ सुबह सवेरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में घूमने गए। कल के नागवार वाक़या की याद अभी ताज़ा थी। डर रहे थे कि राज फाश ना हो गया हो और अचानक कोई मेरा दामन ना पकड़ ले। सहमे सहमे जा रहे थे कि फिर दो आदमी लड़ते हुए दिखाई दिए। एक वही इसराइली था जिसकी हिमायत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुप्ती के घोंसा मारा था। उसने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डांट कर कहा, तुम झगड़ालू मालूम होते हो, हर रोज़ किसी से झगड़ा मोल लेते हो, आज फिर दंगा फसाद कर रहे हो। ये कहकर वो झगड़ा ख़त्म करने के लिए आगे बढ़े। इसराइली ये समझा कि जिस तरह उन्होंने कल एक कुप्ती को घोंसा मारा था, आज घोंसा मार कर मेरा काम भी तमाम करना चाहते हैं। इसलिए वो चिल्ला उठा, क्या आज मुझे भी उसी तरह कत्ल करना चाहते हो जैसे कल एक शख्स को कत्ल कर चुके हो। उस इसराइली की ज़ुबान से इन अल्फाज का निकलना था कि हुकूमत को खबर पहुंच चुकी कि कुप्ती के कातिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। बस फिर क्या था, उनको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने का फ़ैसला हो गया। मगर इससे पहले कि कोई अफसर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए पहुँचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक खैर खां ने उन्हें इतला दे दी कि तुम्हारी गिरफ्तारी और कत्ल के मशवरे हो रहे हैं। जान की खैर चाहते हो तो फौरन यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा सच्चा खैर खां हूँ, मेरे मशवरे पर अमल करो वरना पछताओगे। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दारुल हुकूमत से भाग निकले ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो फिरौन की सल्तनत की सरहद को पार कर जाए। दरअसल अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में रहने का इंतज़ाम किया था, वो मकसद पूरा हो चुका था। वो हुकूमत के कारोबार और हुक्मरानों के तौर तरीकों से वाकिफ हो चुके थे। अब उनकी तरबियत का दूसरा मरहला आ गया था जिसके लिए फिरौन का महल मौजू ना था। इसलिए कुदरत की तरफ से ऐसे हालात पैदा हो गए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकलना पड़ा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल आए और सबसे करीब तरीन इलाका मदीन का आता था। फिरौन की सल्तनत से बाहर सबसे करीब आज़ाद इलाका मदीन था। उस ज़माने में मिस्र से मदीन तक कोई 8 दिन का सफ़र था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहायत बेसर व सामानी के आलम में घर से निकले थे, ज़्यादा राह तक साथ ना ले सके थे, खुदा के सिवा और कोई सहारा ना था। उसी पर भरोसा करके चल पड़े और दुआ की के परवरदिगार मुझे सही राह पर डाल दे, मुझे दुश्मनों से अपनी पनाह में रख और सलामती के साथ मंजिल मकसूद पर पहुँचा दे। आखिरकार मदीन के एक कुएं पर पहुँचे, देखा कि बहुत से लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। लोगों के हुजूम से हटकर एक तरफ दो लड़कियां अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। आपने जब उन लड़कियों की मदद की तो उनके वालिद एक बर्गजीदा बंदे थे, उन्होंने अपनी एक लड़की का निकाह आपसे इस शर्त पर कर दिया कि 10 साल आप हमारी खिदमत करेंगे। 10 साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के हमराह वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। सख्त सर्दी का मौसम था, एक जगह पर रुके और अपनी बीवी से कहने लगे कि मुझे वहां आग नज़र आ रही है, मैं थोड़ी सी आग लेकर आता हूं। जब आप वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला की
तजल्ली का नज़ारा हुआ, अल्लाह ताला ने आप को अपना नबी बना लिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फिरौन के दरबार में बिला धड़क जाकर उसे अल्लाह का पैगाम सुनाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि या अल्लाह, एक शख्स का मेरे हाथों कत्ल हो गया था, वो लोग मुझे देखते ही गिरफ्तार कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब एक मिस्री तुम्हारे हाथ से मारा गया तो हमने ही तुम्हें गम से निजात दिलाकर तुम्हारे लिए मदीने में एक अच्छा ठिकाना मुहैया किया। इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जिसके साथ हो, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से एक शख्स मारा गया था, अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ बचाया बल्कि आपको नबूवत भी अता फरमा दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।